मुंगेर सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में हवेली खड़गपुर निवासी एक महिला की मौत हो गई। दरअसल 42 वर्षीय सुनीता देवी की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किए जाने के बावजूद किसी डॉक्टर या नर्स ने कोविड की संभावनाओं को लेकर महिला का इलाज शुरू नहीं किया। इस दौरान परिजन कोविड जाँच के लिए हर काउंटर पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार करीब 3 घंटे तक तड़पने के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की संवेदनहीनता यहीं खत्म नहीं हुई। मरीज की मौत के बाद 24 घंटे से अधिक बीत गए, लेकिन कोविड जांच नहीं होने के कारण शव वार्ड में ही पड़ा रहा। इस घटना में जहां एक और मानवता शर्मसार किया है, वही राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। यहां लिख दिया है पेपर से जहां मिलेगा, यहां से जाते थे नहीं, कोई अति नहीं है, जाओ वहां पर। मैंने मुझे परेशान कर दिया सर। कब से आपका लाश पड़ा हुआ है? ये दो दिन हो गया, तीन दो दिन हो गया सर। कोई बॉडी को छूने वाला नहीं है? कितने बजे मौत हुई है? मौत 3 बजे, कल 3 बजे इवनिंग में। कहाँ से हैं आप लोग? खड़गपुर से। कल 3 बजे शाम में परेशानी है सर, करीब 12 बजे हमारे मेहमान जी सुरेश साहब इस सदर हॉस्पिटल के लिए आए। यहाँ पे इमरजेंसी में भर्ती लिया गया, पर्ची कटाया गया, ब्लड लिया गया है, वसरते ऑक्सीजन इन्हें नहीं दिया गया। करीब 2-3 घंटा करीब हमारे बहन सुनीता देवी जीवित थी, उनका कोई उपचार नहीं किया गया और वो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो गया। और कल 3 बजे का डेथ होने के बावजूद हम उनके डेड बॉडी पे कोरोना निगेटिव पॉजिटिव का जाँच के लिए सर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, डीएस के पास जा रहे हैं, मैनेजर के पास जा रहे हैं, उनके कार्यालय तक गए, उनके ऑफिस तक गए, उनके निवास तक गए, लेकिन वो कहीं मिलने का नाम नहीं रहा। फोन नंबर दिया गया हमें हॉस्पिटल से, इमरजेंसी वार्ड से, वहाँ पे सिर्फ रिंग टून सुनने को मिला सर हमें आज तक, अभी तक 24 घंटे के लगभग होने वाले हैं सर, लेकिन डेड बॉडी को कोई देखने वाला नहीं है। और हम सब डेड बॉडी को टच कैसे करें सर बगैर टेस्ट का, क्या पता कोरोना पॉजिटिव हो। तो अब क्या कीजिएगा फिर ऐसे सर? हम कोरोना कोविड का चेक कराना चाह रहे हैं, चेक करके दिया जाए निगेटिव है या पॉजिटिव, उसके बाद हम डेड बॉडी को ले जाएंगे सर।